Assalamu alaikum my dear friends, my name is Shahzad Maqsood. Welcome back to new video on my YouTube channel. I hope ke aap sab log khairiyat se honge. Aaj ki video mein hum Samsung Galaxy F62 ko discuss karne wale hain. Yahan par agar F series ko discuss kare to you know ke jo F series hai Samsung ki isko pehle Indian aur Pakistani markets mein official taur par launch nahi kiya jata raha. So recently ye news reveal ki gayi hai ke next week yani ke February ke isi mahine mein इंडियन मार्केट में F62 को लॉन्च किया जाएगा, यानी कि सैमसंग F सीरीज को ऑफिशियली इंडियन मार्केट में लॉन्च करने जा रहा है. सो ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये जल्द ही पाकिस्तानी मार्केट में भी लॉन्च इसको किया जा सकता है, क्योंकि इससे पहले इन्होंने जो M सीरीज थी सैमसंग की उसको भी इंडियन और पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च नहीं किया जाता था. और उसके बाद में सैमसंग ने सबसे पहले इसको इंडियन मार्केट में लॉन्च किया और उसके बाद में ये जल्द ही हमको पाकिस्तानी मार्केट में भी M सीरीज देखने को मिल गई. तो इस दफा भी ये डिवाइस सबसे पहले इंडियन मार्केट में लॉन्च की जाएगी और फिर पाकिस्तानी मार्केट में भी इसको लॉन्च किया जा सकता है. तो यहाँ पर एफ सीरीज को डिस्कस करते चलें तो यू नो कि जो एफ सीरीज है इसमें आपको प्राइस से ज़रा हट कर डिवाइस देखने को मिलती है, यानी कि लो प्राइस टाइम में अच्छे फीचर्स के साथ में सैमसंग इस सीरीज में आपको डिवाइसेस प्रोवाइड करने वाला है. तो आज की वीडियो में हम F62 को डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये पाकिस्तानी मार्केट में भी लॉन्च हो सकता है. सो वीडियो शुरू करने से पहले यहाँ पर रिक्वेस्ट है कि जो दोस्त हमें से चैनल पर नए हो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए. तो बिना वजह किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं. अब फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इसके कैमरा सेटअप को डिस्कस करें तो बैक पर क्वाड कैमरा सेटअप इस डिवाइस में पैक किया जाएगा, जिसमें मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का होने वाला है, जबकि रिमेनिंग 3 कैमरे अभी तक कंफर्म नहीं किए गए, लेकिन आई होप के एक 12 मेगापिक्सल का होने वाला है और रिमेनिंग 2 5.5 मेगापिक्सल के कैमरे होने वाले हैं. तो बैक पर आपको एक एलईडी फ्लैश भी मिल जाएगा. फ्रंट पर आए तो 32 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर इस डिवाइस में पैक किया जाएगा और साथ में आईडी रेजोल्यूशन का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा. सो एक प्राइस टैग को देखें, सैमसंग की दूसरी डिवाइस को देखें तो आई थिंक कि इस प्राइस टैग का ये पहला बेस्ट क्वालिटी वाला कैमरा सेटअप इस डिवाइस में आपको देखने को मिल जाएगा. आगे बढ़े तो आउट ऑफ द बॉक्स लेटेस्ट एंड्रॉइड 11 का ऑपरेटिंग सिस्टम मिल जाएगा. अब अगर इसके चिप को डिस्कस करें तो एग्नस 9825 की चिप इस डिवाइस में पैक की जाएगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल चिप है और ये सैमसंग की अपनी ही चिपसेट है. तो आगे बढ़े तो सुपर एमोलेड टच स्क्रीन इस डिवाइस का होने वाली है, जिसका साइज 6.7 इंचज होगा और ये डिस्प्ले आपको 1080x2340 रेजोल्यूशन प्रोवाइड करने वाला है. इंटरनल स्टोरेज को डिस्कस करें तो सिंगल वेरिएंट इसका एक्सपेक्ट किया जा रहा है और यही वेरिएंट इंडियन मार्केट में लॉन्च भी किया जा रहा है, जो कि 8GB ऑफ रैम 128GB ऑफ रोम वाला वेरिएंट है. तो इंटरनल स्टोरेज इस डिवाइस की होने वाली है. अगर इसकी बैटरी को डिस्कस करें तो भाई इसमें आपको एक मैसिव बैटरी मिल जाएगी, 7000mAh की बैटरी इस डिवाइस में पैक की जाएगी, साथ में 25W की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट भी अवेलेबल होने वाली है. तो ये एफ सीरीज का एक बेस्ट पार्ट होने वाला है. तो अब एडनियन अगर इसके प्राइस को डिस्कस करें तो कंफर्म प्राइस तो अभी इसकी रिवील नहीं की गई, इंडियन मार्केट में भी इसकी अभी जो प्राइस है वो पेंडिंग है. तो पाकिस्तानी मार्केट में इसकी प्राइस अराउंड 56,000 से स्टार्ट हो सकती है. तो इस प्राइस टाइम में अगर ये डिवाइस मिल जाए तो आई थिंक बेस्ट डिवाइस होगी. इससे पहले इस प्राइस टाइम में अभी तक सैमसंग की जानब से 64 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप आपको किसी डिवाइस में भी देखने को नहीं मिला. तो ये थी एक वीडियो में, करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो जरूर सब्सक्राइब करना. नेक्स्ट वीडियो तक ये जल्दी दीजिए. दिस इज मी शहज़ाद मकसूद. अल्लाह हाफिज़.